हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरु चैनल में। अगर आप सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन कितना जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में ये है कि आपको कितने वोकैबुलरी या वर्ड मीनिंग्स याद है। और मैंने देखा है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को वोकैबुलरी को याद करने में, मेमोराइज करने में काफी कठिनाइयां होती हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपकी इन कठिनाइयों को दूर करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा हमारे आज के इस वीडियो को और समझिएगा कि मैं क्या तरीके समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी को याद करना बहुत ही आसान होता है, बशर्ते आप उसमें इंटरेस्ट लें। वर्ड मीनिंग्स जो आपको याद करने हैं, सबसे पहले ये समझना है कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उनका महत्व क्या है, वो कहाँ यूटिलाइज किए जा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ये है। दूसरी जरूरी बात होती है कि आप उस वर्ड को कैसे लिंक कर सकते हैं किसी वस्तु के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ, या किसी इंसान के साथ, या किसी घटना के साथ। तो चलिए शुरू करते हुए इस वीडियो को हम देखते हैं और ध्यान से समझते हैं आज शुरुआत के 10 वर्ड्स जिनको हम ट्रिक्स के जरिए याद करेंगे। सबसे पहला वर्ड है स्टैगर। स्टूडेंट्स, स्टैगर वर्ड को सुनकर आप जरूर ध्यान में लाते होंगे एक एडवर्टीजमेंट, रॉयल स्टैग। तो आप याद रख सकते हैं स्टैगर का मतलब वैसे होता है फॉल्टर, टॉर्चर एंड वॉबल। इसका मतलब होता है लड़खड़ाना या डगमगाना। तो आप इस वर्ड को काफी आसानी से याद कर सकते हैं। आपने जरूर सुना होगा रॉयल स्टैग, तो आप रिलेट कर लीजिए कि स्टैग रॉयल स्टैग। स्टैग पीने से लड़खड़ा कर चले लगते हैं लोग, तो स्टैगर का मतलब हो गया लड़खड़ाना, डगमगाना, फॉल्टर करना। दूसरा वर्ड है ओबीज। वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन है ओबीज, OBESE। तो आप इसका मतलब अगर याद करेंगे, डिक्शनरी में ढूंढेंगे, तो इसका मतलब होता है मोटा, फैट, कॉर्पुलेंट। अब इस वर्ड को याद करने के लिए सिंपल सा ट्रिक है, आप बाइफर्केट कर लें, आप इस वर्ड को दो हिस्सों में तोड़ दें और आप रिलेट कर सकते। सबसे पहले आपने देखा होगा कि पहला अक्षर है, लेटर है ओ, तो आप इसको अलग पढ़ लें और बाकी BESE को आप भैंसे पढ़ लें। तो ओ भैंसे। अगर कोई इंसान काफी मोटा होता है तो उसके दोस्त उसे मजाक से पुकारते हैं ओ भैंसे इधर आ, तो ओबीज मतलब मोटा। थर्ड वर्ड है पैल, PAL। इसका मतलब होता है दोस्त, जो काफी क्लोज हो, जो हमारे कंपेनियन हो, बड़ी फ्रेंड कह सकते हैं आप उसे। तो पल यानी कि जो अच्छा हमारा पल होता है, वो हर पल हमारे साथ होता है। इस ट्रिक से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा, डेंजर, पेरिल। तो इस वर्ड को याद रखना बहुत आसान है। सबसे पहले आप एक मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी जियो को याद कर लें। जियो जब भारत में लॉन्च हुई तो आपको पता होगा कि काफी नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनीज जो है, या इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनीज या कह सकते हैं सेलुलर कंपनीज जो थे, वो बंद हो गए। इसका मतलब जियो दूसरे कंपनियों के लिए जियो पार्टी बन गया। नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, लेबोरियस। तो आप इसको काफी आसानी से याद रख सकते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको इंडस्ट्रियस बनना पड़ता है, मेहनती बनना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है पार्सिमोनियस। तो पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस, यानी कि जो काफी पैसे बचाए, खर्च के ना करे। तो ऐसे वर्ड को, इस वर्ड को याद रखने का सिंपल सा ट्रिक होता है, ट्रिक है पर्स से जो मनी ना निकाले वो पार्सिमोनियस होता है। नेक्स्ट वर्ड है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर, यानी कि अनुपजाऊ, यानी कि फर्टाइल जो ना हो, यानी कि अनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव या स्टराइल। तो इस वर्ड को याद रखना भी आसान है कि बिना रेन के जमीन या भूमि बैरन हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड है डिजर्वॉबल। डिजर्वॉबल का मतलब होता है इनकार करना, मना करना, यानी कि मानने से इनकार करना कह सकते हैं आप। तो डिजर्वॉबल को याद करना भी आसान है। डी इज नॉट अ वॉबल, यानी कि अगर आपको किसी टीचर ने यह पढ़ा दिया कि डी वॉबल है तो क्या आप मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो डी इज नॉट अ वॉबल, यानी कि आपने डिजर्वॉबल किया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन, कॉन्स्टेंट चेंज इसको कहते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि लक्स वेट सोप यानी साबुन का नाम है, उसके प्राइस में या उसके रैपर में हमेशा चेंज आता है, यानी लक्स आता है। नेक्स्ट वर्ड है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, डिप्रेस्ड, सैड, मोरोज। अब आप याद रखेंगे कि गुलामी की जंजीरें जो होती है वो इंसान को ग्लूमी बना देती है। तो इस तरह से हमने आज 10 वर्ड देखे। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको काफी ट्रिक्स बताने वाला हूं कि वोकैबुलरी को कैसे आसानी से याद किया जा सकता है।
तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट।